आई होप कि सब अच्छी होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, आज हम ढोल पे जो बेसिक स्टेप है वो सीखने वाले। आप लोग बोलते हो मैं शादी में जाता हूँ भाई मुझे सब खींच लेते हैं और मैं डांस नहीं कर पाता, मुझे शर्म आती है। भाई घबराओ मत, मैं हूँ भाई, आपको बेसिक से स्टेप सिखाऊंगा, बस आपको फॉलो करना है मुझे, फॉलो करें। हम चार स्टेप करेंगे, आपको चार स्टेप कर लेने, जहां भी डांस करोगे भाई बल्ले 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 बल्ले, यस। तो आज हम सीखेंगे चार स्टेप बेसिक, वो भी ढोल के। तो ठीक है, आज हम करते हैं स्टार्ट। और हमारा साथ देने वाले अदिति सिंह, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कोरियोग्राफर भी है और अच्छा डांस भी करती है और ये सिखाती है बच्चों को। तो आज मैंने इनको लिया है, तो आज मैं इन्हें कराऊंगा और ये करेंगे और आप फॉलो करेगा, तो हम लोग दोनों सिखाएंगे आप लोग को, आप लोग फॉलो करेगा स्टेप को, ओके। तो हम चलते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले, भाई भाई फ्री में सिखा रहा है यार, पैसे नहीं ले रहा, आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे पैसे लगेंगे भाई। मैं तो यार फ्री में सिखा रहा हूँ भाई, लाइक तो बनता है ना भाई को, एक लाइक शेयर कमेंट। हाँ भाई एक बात और है, जो भाई जिसको भी जैसा स्टेप चाहिए, जो भी सीखना है आपको, हिप हॉप में सीखना है, वेस्टर्न में सीखना है, बॉलीवुड में सीखना है, भाई जो कमेंट करेगा, जो शेयर करेगा वीडियो को, जो लोग वीडियो सारी वीडियो देखेगा, जो कमेंट करेगा, पर्सनल वीडियो उसके लिए बनाई जाएगी, उसका नाम लेके बनाई जाएगी वीडियो। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हैंड राइट साइड लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में नहीं आया, ओके फिर से समझाऊंगा मैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, राइट पैर उठाना है, राइट पैर लेंगे, 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, ओके। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। चलिए फिर से करते हैं इसको, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप लोग ने भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, आप स्टेप कहीं नहीं जाएगा, आप स्टेप आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, आप मैंने बेसिक से बता दिया है, और जिसको भी नहीं समझ में आया भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। चलो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, पैर चलाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर किया, चलो फिर से लेंगे स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको टर्न ए स्टेप वापस से लेना है, यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस आपने समझा होगा स्टेप के लिए, तो हम दोनों साइड ठीक है एक साथ करेंगे। तो रेडी करते स्टार्ट, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा, क्लास में करूंगा मजे आ जाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही होगा, जहां भी करोगे छा जाओगे। तो चलो हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, हैंड ले रहे हैं, दोनों हैंड ऊपर करेंगे, ठीक है, पैर को कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मल है, नॉर्मल एकदम, ठीक है। आपको हैंड भी पुश करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके साथ में लेग्स को भी चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस आपने समझा होगा स्टेप के लिए, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है जो, चलो इसको हम बार बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको एक बार और करेंगे, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके गाइस हमारा फोर्थ स्टेप है जो, वो भी नॉर्मल है, आपको बस ध्यान से देखना उसको, ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप करेंगे, हैंड अप करेंगे, हमें हैंड को ही रखना है, अब पैर को टिप लगाएंगे राइट पैर एंड लेफ्ट टिप करेंगे, 1 2 3 4, ओके गाइस हमें हैंड भी चलाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8,
चलो पैर के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7 8 वैसे करेंगे गाइस, इसको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाएंगे। ओके गाइस रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 and 7 8। तो गाइस आप लोग ने मुझे लग रहा सीख लिया होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को बिल्कुल बारीक से समझाया, बिल्कुल बेसिक एकदम स्लो करके समझाया। तो चलो गाइस अब हमने 4 स्टेप जो किए ना, तो गाइस मेरे साथ करेंगे वो, आप लोग भी करोगे मैं भी करूंगा, हम चारों स्टेप को एक साथ करेंगे। ओके गाइस चलो, आपको भी लग रहा ना काश ढोल बज रहा होता, मजे आ जाते। तो गाइस आप जब शादी में जाओगे ना, अब कोई भी आपको खींचेगा ना, आपको 4 स्टेप लगा दोगे ना, पब्लिक देखेगी भाई। ओके गाइस आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, और आप कमेंट में जरूर बताना जिसको भी जिस प्रकार का डांस सीखना, कमर सलानी नहीं आती, फुटबॉल भी नहीं आते हैं भाई, कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो डालूंगा। और जरूर जो वीडियो पूरी देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसका नाम लेके वीडियो उसको पर्सनल जाएगी वीडियो। तो सो थैंक यू गाइस।